चुरू में आज असंगठित व श्रमिकों के लिए केंद्र सरकार की ई श्रम कार्ड योजना का उद्घाटन हुआ। प्रतिपक्ष उपनेता राजेंद्र राठौड़ और सांसद राहुल कस्वा ने इसका उद्घाटन किया। असंगठित श्रमिकों के लिए प्रारंभ की गई इस ई श्रम कार्ड को श्रमिक निःशुल्क बना सकेंगे। इस मौके पर राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि जिले के लगभग 6 लाख श्रमिकों को इसका लाभ मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत ऑटो चालक, दिहाड़ी मजदूर, दुकानदार, जूता पॉलिश करने वाले और एग्रीकल्चर श्रमिकों सहित विभिन्न आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी इसका लाभ मिलेगा। भारत सरकार की एक अनूठी योजना ई श्रम कार्ड योजना, उसके पंजीयन का काम आज चुरू जिला मुख्यालय से प्रारंभ हुआ है। वो लोग जो लगभग 52 कैटेगरी में अलग अलग श्रम के साथ जुड़े हैं, उनको मुफ्त में 2 लाख तक का बीमा का कवर दे रही है भारत सरकार। एक डेटाबेस तैयार हो रहा है, अनेकों योजनाओं के वो भागीदार बनेंगे। हम चाहते हैं कि हमें आंकड़ा जो चुरू के लिए मिला है वो 6 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन कराना है इसके अंदर में। इस कोशिश है, इसकी शुरुआत मैंने आज कोशिश करी हमने मिलकर के चुरू से की जाए। हर तहसील में जाके इसका प्रचार प्रसार करेंगे। जब भी कोई देश में आपदा आती है और हमें एक सही वर्ग के व्यक्ति को उसका लाभ देना होता है, उसके अंदर ये कार्ड बहुत काम आएगा। लोगों की स्किल को इम्प्रूव करने में कार्ड बहुत काम आएगा। साथ में 12 रुपये की एक प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना की जो बीमा है उसका प्रीमियम भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 साल के लिए पे कर रही है। एक अनूठा एक योगदान है इसका, ये पहला चरण है। CSC के द्वारा, केंद्रीय श्रम मंत्रालय और रोजगार मंत्रालय के द्वारा, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा ये जो ई श्रमिक कार्ड की योजना प्रारंभ की गई है, ये बहुत ही अनूठी योजना है। चुरू तहसील में इस कार्यक्रम को लॉन्च किया जा चुका है और यथाशीघ्र चुरू जिले में हम बहुत भारी मात्रा में श्रमिकों का पंजीकरण इसके माध्यम से करेंगे।